क्वेश्चन अपन ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3.9 एंड आवर क्वेश्चन इज द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 मोलार केसीएल सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है? सबसे पहले जो जो मिलता जा रहा है नोट करते चलते हैं। कॉन्सेंट्रेशन इज 0.001 यही है ना मोलार, ठीक है। केसीएल सॉल्यूशन का ये कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है एट 298 केल्विन, टेम्परेचर भी अवेलेबल है एंड द रेसिस्टेंस इज 1500 ओम। रेसिस्टेंस कितना है? 1500 ओम, ठीक है। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट? इफ कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोलार केसीएल सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज 0.146 इनटू 10 टू द पावर -3 साइमन पर सेंटीमीटर, दिस इज द कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कापा से, और कापा हमको दिया हुआ है 0.146 इंटू 10 टू द पावर -3 साइमन पर सेंटीमीटर, दिस इज द कंडक्टिविटी। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? सेल कांस्टेंट बताइए, सेल कांस्टेंट। और सेल कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते थे? जी स्टार। सेल कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी स्टार, जो एक्चुअल में क्या होता है? एल अपॉन ए, यही होता है ना सेल कांस्टेंट। एल अपॉन ए को जी स्टार लिख देते थे, दिस इज सेल कांस्टेंट। किसी भी सेल का लेंथ और एरिया ऑफ द प्लेट, लेंथ मतलब दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस, दिस इज द लेंथ एंड एरिया ऑफ द प्लेट, ये एक सेल का कांस्टेंट होता है, ठीक है, उसको अपन जी स्टार लिखते हैं। अब हमारे पास डेटा देखिए क्या है, ये चीज हमको निकालनी है भाई ना, सेल कांस्टेंट कैलकुलेट करके लाना है। आप उसको चाहे एल बाई ए लिखो, आप उसको चाहे जे स्टार लिखो, सेल कांस्टेंट आपको निकालना है, ठीक है ना। हमारे पास क्या अवेलेबल है? कॉन्सेंट्रेशन, रेसिस्टेंस और कंडक्टिविटी, ठीक है। और सेल कांस्टेंट कैसे निकलेगा? तो सेल कांस्टेंट निकालने के लिए मैंने एक आपको ट्रिक बताया था, क्या याद रखना है? रणवीर कपूर इसे ग्रेट स्टार, आर के जी स्टार, यही था ना। तो हमारा शॉर्टकट तरीका था आर के इज इक्वल टू जी स्टार, यही था ना फॉर्मूला। आर क्या है? रेसिस्टेंस, कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट निकल जाए अगर मैं आर और के को मल्टीप्लाई कर दूं, कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत ही नहीं है उसको छेड़ने की, ठीक है ना। डायरेक्ट आर और के का मल्टीप्लीकेशन क्या देता है? सेल कांस्टेंट, समझ गए बात। देयरफॉर सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू आर के, और आर की वैल्यू हमको दी हुई है 1500 ओम, और कापा हमको कितना दिया हुआ है? दिस इज 0.146 इंटू 10 टू द पावर -3 साइमन पर सेंटीमीटर, दिस इज ओम। ध्यान दीजिए, दिस इज ओम, दिस इज साइमन पर सेंटीमीटर। तो यूनिट क्या बन जाएगी? यूनिट क्या बनेगी? साइमन क्या चीज होता है? पर ओम, ये है ओम, देखिएगा यूनिट ना, इसके लिए लिखा मैंने ओम, और इस साइमन को लिखा पर ओम और पर सेंटीमीटर। तो ये ओम और पर ओम कैंसिल हो गया, सिर्फ यूनिट क्या आएगी, और आनी भी चाहिए क्योंकि एल अपॉन ए होता है। दिस इज सेंटीमीटर, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, नीचे एक सेंटीमीटर बचेगा, ऊपर जाएगा तो क्या बचा? पर सेंटीमीटर। तो सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? पर सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना आएगा, मल्टीप्लाई करें, इट कम्स 0.219, इट इज इक्वल टू 0.219 पर सेंटीमीटर, दिस इज अवर आंसर सेल कांस्टेंट। समझ आया? ठीक है, न्यूमेरिकल पार्ट, कैलकुलेशन का काम आपका है, ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पर मेथड बता रहा हूँ।